दोस्तों, हाल ही में ही भारतीय नौसेना की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से हमारी वायुसेना और थल सेना ड्रोनों का इस्तेमाल करती है, अब हम भी इसी तरीके से ही ड्रोनों का इस्तेमाल भारी संख्या में करने जा रहे हैं। और अब भारतीय नौसेना की तरफ से हिंट देते हुए बताया गया है कि हम अपनी पनडुब्बी के लिए ऐसे ड्रोन की तलाश कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा साइलेंट हो और जिसकी भनक दुश्मन देश की पनडुब्बी को दूर दूर तक ना लग सके, जिसको लेकर अब L&T और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर भारतीय नौसेना के लिए इस तरीके के अंडर वाटर ड्रोन को बनाना शुरू कर दिया है। L&T को फिलहाल शिप बनाने में महारत हासिल है, वहीं पर न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को ड्रोन और UAV बनाने में महारत हासिल हो चुकी है। और अब ये दोनों ही कंपनी कोलैबोरेशन के तहत भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए सबमरीन लॉन्च अनमैन्ड व्हीकल बनाने जा रही हैं और इस प्रोजेक्ट को SLUS कहा जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट टेस्ट इसी साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो हमारा SLUS होगा ये एक ऑटोनोमस AI बेस्ड सिस्टम होगा। और फिलहाल इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जब इस ड्रोन को हमारी पनडुब्बी से लॉन्च किया जाएगा उस समय दुश्मन देश को इस ड्रोन की भनक तक नहीं लगेगी। इस SLUS की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इसमें पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लगा होगा। ये एक तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसकी मदद से अगर हमारी एक पनडुब्बी से इस ड्रोन को लॉन्च कर दिया जाएगा तो उस कंडीशन में ये ड्रोन हमारी पनडुब्बी के साथ में चलने वाली दूसरी पनडुब्बियों को भी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। और इस SLUS को स्पेशली सर्विलेंस के लिए बनाया जा रहा है। आपको भारत का ये नया प्रोजेक्ट SLUS कैसा लगा, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।